अभी सर का कुछ सामान भूल गए तो ऑफिस में लेने आना पड़ा। जल्दी कर जैसन कर। यस ब्रो, यस डूड। तो अभी निकल चुके हैं सामान लेके। हाँ, सामान दिखा भाई, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ ना? हाँ थोड़ा सा। बहुत अभी निकल चुके हैं, नीचे सर हैं, जाते हैं अपने भी। मारुति की सुजुकी अर्टिगा ले ले, कुछ भी ले ले मारुति की। सर सर स्लो करना सर, ये बहुत गंदा होता है, ये बहुत गंदा होता है एक्सीडेंट, बहुत गंदा ही आया है। बहुत तेजी से भाग के आते हैं, गाड़ी पे तोड़ चढ़ जाते हैं। ये दूल्हा ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, अभी वो एक्सीडेंट कर देगा किसी का। वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा है। ये कमरे जी है ना भाई? नर्मदा केबल ब्रिज है। अभी दो घंटे के ड्राइविंग के बाद सर रुक रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग नाश्ता करने। बच्चों नाश्ता बहुत है पीछे अभी। हाँ सर नाश्ता तो है। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं खाना है। तो हेलो मेरे प्यारे सस्पेंड बच्चा पार्टी, इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 48 पर हूँ और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहा हूँ। और इसी बीच में हमारी टीम से मैसेज लगातार आ रहा है कि बहुत सारे फेक न्यूज़ जो है हर जगह पर सर्कुलेट हो रहे हैं कि सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज़ कर दिया। मेरा सिंपल सा कहना ये बच्चों की डेट शीट कभी भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि क्या आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। नहीं कर रखी है तो करिए, क्योंकि स्वामीनारायण कौन सा मंदिर है? स्वामीनारायण बाबा सीताराम, बाबा सीताराम। तो स्वामीनारायण एक सूरत में भी है ना? इनका दांतवाद तो सब है, दांतवाद सब यहाँ पड़ा हुआ है। क्या बात है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लोग बोलते हैं। जितने भी जैन लोग हैं वो आज भी इनको मानते हैं। इनका मतलब उनका श्री कृष्ण का इसमें दांत भी है? श्री कृष्ण का ही वो रूप है, उनका बच्चे पड़े हैं, वो रास्ते पर ही दिखाई देता है। अभी क्योंकि शेडो इन सब का आ रहा है तो नहीं होगा, लेकिन जब एकदम क्लियर कट पूरा चारों दोनों तरफ पेड़ नहीं होगा ना तब वो दिखेगा। अभी होटल श्री कृष्णा से जो दाऊद के रोड पे है यहाँ से खा के निकल रहे अभी, एंड टेस्ट के मामले में बेस्ट है श्री कृष्णा होटल। हम निकलते हैं आगे रास्ते पे, अभी गाड़ी रुकेगी सीधा रात को वहाँ से। अभी खाने के बाद गुड़ खा रहे हैं ताकि तो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है। गांव का रास्ता मैं अपने देख रहे, खेड़ा दिख रहा है क्या कि लूट रहा है? लेकिन ये गांव है यार, ये बहुत सही आदमी होते हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अरे मैं और सलोनी फंसे थे भाई, बहुत गंदा मुझे याद है, मेरी फटके हाथ में आ गई थी, ऊपर से लड़की थी और आगे मैप ने पूरा बंद, रात के 12 बज रहे हैं, मैप बंद हो गया और ऐसे सामने खाली फाटक दिख रहा है और लिखा है रास्ता क्लोज और हॉर्न मत मारो वो मत करो। जय शंभू, जय श्री राम। Thank you.
हम लोग और यहाँ पे थोड़ा सा उतरे हैं। बहुत मस्त लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन, मतलब सामने सूरज भगवान एकदम अच्छे हैं और पीछे पूरे पहाड़ी पहाड़ एकदम मस्त। रास्तों पे मेला लगा हुआ है, भारत मारुति कार सर्कस मौत का कुआं। ये देखो अंग्रेजी देसी कंपोजिट दुकान। अरे यहाँ पे खुला मिलता है सब, खुला पी भी सकते हैं तब तो। एमपी और यूपी पे किस साइड सा उज्जैन? श्री रघुनाथ है, किस बात की चिंता करे। क्या बोलता है सुखले पूछ के इन्हें लड़के दे पर अत कही देते क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। चंबल घाटी पे आ गए सब, एकदम किसी भी गाड़ी को रोक के चोरी कर सकते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध डाकू यहाँ का, हाँ चंबल घाटी के, उज्जैन 29 किलोमीटर। सर चंबल वाले जब सर कुछ करते नहीं है तो क्यों ये लोग डाकू बने हैं? और चंबल वाले पहले करते थे ना बहुत ज्यादा, अभी भी हैं डाकू लोग। लाजा जा, हम नजर न मिलाए पर तो से, लेकिन जा जो है जोन मिले जोन चाहे तो दे दे, लेकिन कहाँ है जिन तू यहाँ दोबारा चाहे जितना दूर तक दिखा तक कुल जमीन हमारा है, जितना चाहे ले ले ले, लेकिन यहाँ आया। अब वो जो प्रोड्यूसर तो ऐसे बोलेगा, अरे भाई पिक्चरवा अब है तो बन खत्म ही ना है भाई, वह शुरू भाई भाई कहा समझा था तू सब, अरे उल आदमी आए हमसे सरवा हमारे यहाँ पे पिक्चर बनवाए दे। तुम गंभीर यहाँ आए थे उद्घाटन के लिए? हाँ गंभीर नदी दिखता है, दिखाया ना पर हम लोग ढंग से घूमे नहीं है जगह। सर ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके इतिहास क्या है इस मंदिर का? निकालते हैं घर जाने का मार्ग महाकाल दर्शन। अभी उज्जैन में एंट्री हो चुकी है अपनी, यो यो फॉर्म रेडी तैयार होके जय ब्रो। तो ये है, अभी उज्जैन में आ चुके हम लोग और होटल चेक इन भी हो चुका है। अब रेडी होंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर निकलेंगे उज्जैन मंदिर के लिए। और अभी तो रात के 9 बज रहे हैं और मंदिर रात की 11 बजे तक खुली रहती है। अभी निकल चुके हैं मंदिर के लिए, हर जगह यहाँ पे बोले बाबा ये रास्ता चढ़ाने वाला। अभी मंदिर पहुंच गए हैं, माता का मंदिर सामने, बोले के बाबा का मंदिर साइड है। हर हर महादेव। जैसे इतना दूर आए ही हैं, तकलीफ है, थोड़ा और चल लेंगे। हाँ तो Thank you.
पीछे से ले लिया थोड़ा। हर हर महादेव, 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 हर घर महादेव। मेरे साथ है सिर तो से बहुत थी, हर हर महादेव। बाय बाय। जानते रुक जा किधर जाना है।